इस महीने की 21 तारीख को देश को एक गहरे शोक का समाचार मिला। कर्नाटक में टुमकुर जिले के श्री सिद्धगंगा मठ के डॉक्टर श्री 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 शिवकुमार स्वामी जी हमारे बीच नहीं रहे। शिवकुमार स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान बसवेश्वर ने हमें सिखाया है, काय कवे कैलाश, अर्थात कठिन परिश्रम करते हुए अपना दायित्व निभाते जाना भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश धाम में होने के समान है। शिव कुमार स्वामी जी इसी दर्शन के अनुयायी थे और उन्होंने अपने 111 वर्षों के जीवन काल में हजारों लोगों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया। उनकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में थी जिनकी अंग्रेजी, संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं पर अद्भुत पकड़ थी। वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बात में लगा दिया कि लोगों को भोजन, आश्रय, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान मिले, किसानों का हर तरह से कल्याण हो, ये स्वामी जी के जीवन में प्राथमिकता रहती थी। सिद्ध गंगा मठ नियमित रूप से पशु और कृषि मेलों का आयोजन करता था। मुझे कई बार परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। वर्ष 2007 में श्री 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 शिवकुमार स्वामी जी के शताब्दी वर्ष उत्सव समारोह के अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टुमकुर गए थे। कलाम साहब ने इस मौके पर पूज्य स्वामी जी के लिए एक कविता सुनाई थी। उन्होंने कहा, ओ माई फेलो सिटीजन्स, इन गिविंग यू रिसीव हैप्पीनेस, इन बॉडी एंड सॉल यू हैव एवरीथिंग टू गिव, इफ यू हैव नॉलेज शेयर इट, इफ यू हैव रिसोर्सिस शेयर देम विद द नीडी, यूज योर माइंड एंड हार्ट टू रिमूव द पेन ऑफ द सफरिंग एंड चीयर द सैड हार्ट्स, इन गिविंग यू रिसीव हैप्पीनेस, Almighty will bless all your actions। डॉक्टर कलाम साहब की यह कविता श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी के जीवन और सिद्ध गंगा मठ के मिशन को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। एक बार फिर मैं ऐसे महापुरुष को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।